राजधानी के मानसरोवर में शुक्रवार को हुई भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मारपीट की घटना सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे मुश्किल समय में भी भाजपा राजनीति पर उतर आई है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी खारिज किया कि सरकार वर्ग विशेष को फायदा पहुंचा रही है। निगम के थ्रू व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को जो पुरानी व्यवस्था को सुधार करके वो व्यवस्था लागू कर रही है। सिविल डिफेंस के माध्यम से शुरू किया था, शिकायतें आई, हम सिविल डिफेंस के उन लोगों को जो जिनकी शिकायतें आ रही हैं उन लोगों को अलग किया है। जिन लोगों की कोई शिकायतें नहीं है, निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं, उनको नगर निगम अपने साथ लेकर काम कर रहे हैं। ये एक सामूहिक प्रयास है सरकार का, जिसमें सरकार, प्रशासन, निगम, बोर्ड जो भी हो सकते हैं उन सबको साथ लेकर चलने की बात है। लेकिन चूंकि सिविल डिफेंस वालों की शिकायतें आई, मेरे तक भी शिकायत आई, लेकिन ऐसा मौका नहीं है कि हम उसको मुद्दा बनाएं। सीधी सी है कि व्यवस्था में कैसे सुधार हो, एक सुधारी हुई संशोधित व्यवस्था के तहत ये सूखा राशन बांटने का काम शुरू किया गया है और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि जो भी इसका पात्र है उनको सबको ये राशन मिलेगा। सरकार ने तो किसी वर्ग विशेष को कभी लाभ दिया नहीं, कांग्रेस ने हमेशा सबको समान रखा है। आपने मानसरोवर की घटना का जिक्र किया, भाजपा के पूर्व पार्षद उसमें लिप्त हैं, उनके द्वारा दादागिरी की जा रही थी, ये मेरी निजी जानकारी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने कभी भी पक्षपात करने का